बिहार के राजनीतिक उथल पुथल के बीच में कई ऐसी बातें सुने जा रही है जिसको लेकर के बिहार के राजनीति में एक बड़ा बवंडर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र के सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत किया, उनके साथ 10 दलों के नेता शामिल थे। इसके बाद से आपको बता दें कि ठीक उसके बाद नीतीश कुमार कई ऐसे फैसले करते हैं जिन फैसलों को लेकर के पहली बार लंबे समय के बाद पार्टी के निर्माण के बाद से लेकर के पहली बार एक सवर्ण को अध्यक्ष बनाया जाता है और इसके पीछे की कहानी शुरू हो जाती है। जहां एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना से अपने वोट बैंक के खिसकने की बात को धीरे धीरे अब समझ चुकी है। वहीं नीतीश कुमार को इसमें अपना जानाधार नज़र आता है जो 2020 में कहीं ना कहीं उनसे छिटक गया था। लेकिन इन सब के बीच में ललन सिंह को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना दिया है, लेकिन इसके बाद अब बेचैनी बढ़ गई है सवर्ण समाज के उन लोगों में जो लगातार अपने हक हुकूक की बातें करते आ रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के अब अलग अलग राजनीतिक दल के और सामाजिक संगठन के नेता जो हैं, खास करके भूमिहार ब्राह्मण, उन्होंने मिल करके एक सामाजिक फ्रंट बना दिया है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के नाम से संगठन बना करके इसका बैठक भी आयोजित किया गया है। इसमें बिहार के तमाम जिलों से प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था और बैठक की सबसे खास बात यह थी कि इसमें पार्टी लाइन टूटती दिख रही है और तमाम राजनीतिक दलों के भूमिहार समाज के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्रमुख चेहरों में अगर देखा जाए तो कई दल के नेता और खास करके भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग इसमें शामिल हुए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह और पूर्व मंत्री अजीत शर्मा भी शामिल हुए। भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भी इसमें शामिल हुए और वीना साही भी इसमें शामिल हुई। महाचंद्र प्रसाद शामिल हुए, तो वहीं हरिंदर कुमार, सुधीर शर्मा और बेगूसराय के मेयर हरिंदर कुमार भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक रामाकांत पांडे के साथ साथ मंत्री नवल किशोर शाही, दिलमणि मिश्रा जैसे नेता भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, इस सम्मेलन के फ्रंट को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को चुना गया, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पूर्व मंत्री अजीत कुमार, सुधीर शर्मा और उपेंद्र सिंह का नाम सर्वसम्मति से प्रस्तावित किया गया। आपको बता दें कि ये फ्रंट कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जदयू को भी परेशान करने वाला है और ललन सिंह के बढ़ते जो जनाधार की बात सोच रहे थे उस पर भी एक विराम लगना जरूरी है। इतना ही नहीं, कई ऐसे फ्रंट हैं जो भूमिहार ब्राह्मण के नाम पर अपना सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक जो मकसद है वो साधना चाहते हैं, उनको भी झटका लग सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि हमारे समाज में किसानों की संख्या सबसे अधिक है। हमारे समाज से ज़्यादातर लोग जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर करते हैं और इतना ही नहीं, हम लोगों का पेट भी भरते हैं। ऐसी स्थिति में इस संगठन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब ये ज़रूरी है कि हम अपने हक हुकूक की लड़ाई अपने हिसाब से लड़ें और उस पर अडिग भी रहें। इसके लिए सारी वर्जनाओं को तोड़ करके हम एकजुट हुए हैं। पूर्व मंत्री और इंजीनियर अजीत कुमार ने कहा कि इस दिन का 2.5 वर्षों 3 वर्षों से हम लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ भी अच्छा हो जाए। लोकसभा चुनाव के समय से ही इस तरह के प्रयास किए जा रहे थे कि हमारा समाज एकजुट हो और एकजुटता बहुत ज़रूरी थी। वहीं आपको बता दें कि फ्रंट के अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, जो इस बार का विधानसभा चुनाव हार गए थे, उन्होंने इसके अतीत को गौरवशाली बताया और बताया कि हमारे समाज के लोगों ने राज्य और देश के साथ साथ समाज को भी बहुत कुछ दिया है। इसके अलग राजनीतिक रूप न दे करके एक सामाजिक संगठन के रूप में देखा जाए और इसके विशेष गुणों को लेकर के, इसके प्रभाव को लेकर के हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। सभी मिल करके अब अपने हक हुकूक अपने समाज के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। इसमें सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके हम आगे काम करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बातें सामने आ रही है और इसने कहीं ना कहीं एक बड़ा थ्रेट जरूर दे दिया है। अब देखना होगा कि ये संगठन कितना ज़्यादा सफल हो पाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।